वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अफसर का मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से बगैर मशीन पे जाए हुए। तो वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा वीडियो को लंबी ना करते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पे। गूगल पे यहाँ पर आपको सर्च करना है अफसर लॉगिन। ये देखिए आ गया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन ऑप्शन अफसर की साइट खुल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे ऊपर करना है इसको। जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यू यूज़र फॉरगेट पासवर्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आपको ऊपर से चेंज मोबाइल नंबर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये थ्री स्टेप मांगेगा, तो ये तीन स्टेप आपको पूरे करने होंगे। पहला आपको यूज़र और आईडी नंबर इसमें डाल देना है, तो मैं यहाँ पे अपना इकामा नंबर डाल देता हूँ। मैंने इकामा नंबर डाल दिया। यहाँ पे अपना अफसर का पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड नंबर सही डालिएगा। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे देख सकते हैं एक स्टेप पूरा कर लिया मैंने। अब ये दूसरा स्टेप आएगा जो कि मांग रहा है न्यू मोबाइल नंबर। तो जो आप यहाँ पे पहले आपको डालना पड़ेगा ऊपर वाले में क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे पासपोर्ट नंबर डालना चाहते हैं, तो मैं यस कर दूंगा। नीचे अपना पासपोर्ट नंबर भर देना है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट क्लिक पे कर देना है। चलिए मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू नंबर डाल देना है। जो आप नंबर आप डालेंगे वहाँ पे आपको नया नंबर यहाँ पे डाल देना आएगा। जो आप बदलने वाले नंबर हैं वही नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए मैं वो नंबर डाल देता हूँ उस पर। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया है। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप पर आना आएगा, तो यहाँ पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। OTP आ चुका है, तो चलिए OTP डाल देते हैं। तो OTP मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपको देख सकते हैं मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल। इसी तरीके आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आपको मशीन पे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूम से ही मोबाइल में से बदल सकते हैं नंबर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ।